अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत बढ़िया हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ में अपना कोई डेली रूटीन शेयर नहीं करूँगी, ना ही कोई ब्लॉग शेयर करूँगी। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि देखिए कैसे करती हूँ मैं अपने पूरे महीने की तैयारी, जो मेरा पूरा महीना आराम से गुजरे। और मैंने विशाल मेगामार्ट से जो है ग्रोसरी शॉपिंग की थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस पे भी मिली और एक के साथ एक फ्री भी मिली। तो ये महीना मेरा बहुत आराम और सुकून का गुजरा है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ कि मैंने इस महीने अपनी ग्रोसरी शॉपिंग में क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑफ़र वाली। तो चलिए ऑफ़र का क्या क्या मुझे मिला है ऑफ़र में, मतलब तो एक के साथ फ्री, एक के साथ एक फ्री, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये है टमाटर केचप, जो कि मुझे 150 का सिंगल पड़ता था, बट इस महीने मुझे पड़ा है एक के साथ एक फ्री, और ये बच्चों ने निकाल लिया है और इतना यूज़ में लिया गया है, ये देखिए है ना। तो ये मुझे मिला ऑफ़र एक के साथ एक फ्री, तो ये हो गया। चलिए जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये जैसे कि बच्चे मैक्रोनी और पास्ता या चाउमीन वगैरह खाते हैं, तो उसके साथ में ये सोया सॉस, रेड चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस, इसके साथ में भी मुझे एक के साथ एक फ्री मिला। तो ये तीन कॉम्बो का सेट था, दो के साथ एक फ्री मिल रहा था, तो एक ये हो गया है। और जैसे कि मुझे लहसुन का अचार बताया गया है, तो मैं लेने गई थी मॉल में, क्योंकि अच्छा मिल जाता है और अच्छी कंपनी का मिल जाता है। तो मैंने जैसे कि एक बॉटल्स ली, तो मुझे एक के साथ एक बिल्कुल मुफ्त मिल गई। और ये देखिए ये मैंने खोल ली है और ये मेरे यूज़ में भी आ रहा है, और ये ऐसे ही सील पैक रखी हुई है देखिए। तो ये मैंने अभी नहीं निकाली है। और जैसे कि मैंने अपने ब्लॉग में बताया था कि मेरे हस्बैंड को ग्रीन चिली का अचार बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मैंने एक बोतल ली, तो एक के साथ एक मुझे ये भी फ्री मिल गई। तो ये हस्बैंड की के लिए मैंने जो है ओपन कर ली है और इतना यूज़ में भी आ गया है काफ़ी, ये देखिए। और ये मेरा पैक ऐसे भी रखा हुआ है। तो ये तो हो गई ओपन की बात। और फ्रेंड्स, और ये एक मुझे एक के साथ एक फ्री मुझे ये मिला था, लेकिन एक मेरा यूज़ में आ गया है। जैसे कि बच्चों का घर है तो स्कूल में ले जाते हैं, या इवनिंग टाइम की चाय के साथ में ले लेते हैं, तो एक पैकेट मेरा ख़त्म हो गया। ये भी मुझे एक के साथ एक फ्री मिला था। और जैसे कि ये सोन पापड़ी, ये भी जो है ऑफ़र में ही था, एक के साथ एक मुझे फ्री पड़ा था। तो जैसे कि बच्चों को देखने के बाद में ना स्वीट्स अगर देख लेते हैं तो फिर उनसे रहा नहीं जाता, तो एक पैकेट मेरा ये भी जो है ख़त्म हो गया है। तो ये भी मुझे एक के साथ एक फ्री को मिला था। और फ्रेंड्स, ये है मेरी फेवरेट चीज़ जो पोहा, तो ये मैंने एक पैकेट लिया, तो मुझे एक बिल्कुल मुफ्त मिल गया। तो ये देखिए ये है ना अच्छे ओपन की बात, मतलब मज़ा ही आ गया है, क्या ही बात है, एक के साथ एक फ्री मिल गया है। और ये है मैगी, वो क्या बोलते हैं इसको, मैगी, माइंड से निकल रहा है। तो ये मैगी, ये भी मुझे एक के साथ एक फ्री मिला है और एक ख़त्म हो गया है, क्योंकि जब मैगी आ जाए घर में तो बच्चों को कहाँ बर्दाश्त होती है, उनसे नहीं रुका जाता। तो ये भी एक ख़त्म हो गया है और एक रह गया है। और ये है वर्मसली, तो ये भी मुझे एक के साथ एक फ्री ही मिली थी विशाल मेगा मार्ट में, तो उस वक्त जो है काफ़ी अच्छी सेल चल रही थी। ये मैं रक्षाबंधन के टाइम पर लेकर आई थी, तो जैसे कि देखिए पास्ता में लेकर आई हूँ, पास्ता मैक्रोनी, तो ये भी मुझे एक के साथ एक फ्री मिला। एक लिया मुझे मैंने तो एक मुझे फ्री मिला, और एक के साथ एक मुझे ये फ्री मिला। और एक पैकेट मेरा इसमें का ख़त्म हो गया है पास्ते का, क्योंकि बच्चों ने खा लिया है। और क्या मिला था मुझे फ्री, हाँ तो देखिए फ्री मतलब ऑफर में, तो ये 149 का मुझे तीन कॉम्बो का सेट मिला था, बर्तन धोने का, टॉयलेट धोने का और फर्श धोने का। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑफर था। और फ्रेंड्स, ये डिटॉल हैंड वॉश की बोतल मिली थी, जो मेरी बेटी ने निकाल लिया है, बच्चे यूज़ कर रहे हैं, और इसके साथ में एक पैकेट ही फ्री मिला था, तो ये भी एक अच्छा ऑफर है। और फ्रेंड्स, ये है कोकोनट ऑयल, जो 500 ml है, बट मुझे मिला है ये केवल और सिर्फ 99 रुपीज़ में, मतलब 100 रुपये का भी नहीं पड़ा है, उसमें से ये रुपया कम था 99 का, तो लोकल शॉप में तो कभी नहीं मिलता है और ये इतना सस्ता। और फ्रेंड्स, इस पर भी काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा था, और ये देखिए बाय फोर गेट वन फ्री, मतलब चार के साथ एक फ्री, और काफ़ी अच्छा ऑफर है ये भी जो है। तो
150 ग्राम का, मतलब 150 ग्राम का एक सोप है इसके अंदर। और एक हमें बिल्कुल नहीं पड़ा कि ये इतना अच्छा ओवर है, ये हमने ले लिया है। फोक मुझे अच्छे लग गए थे क्योंकि बच्चे चाउमीन या क्या बोलते हैं, फिर मैं इसका नाम भूल गई, मैगी का, तो ये खाते हैं तो जो है फोक का यूज़ होता है, तो मैंने ले लिया है। और ये भी मुझे रिजनेबल प्राइस पे मिला था, 101 का, मतलब 101 रुपये का एक पाउच रिफाइंड ऑयल है ये, तो दो पैकेट ले लिए हैं मैंने। और दो बोतल ली है मैंने सरसों के ऑयल की, एक मेरी यूज़ में आ रही है, तो ये चल रही है, एक चल रही है और एक अभी है ऐसे ही रखी है। और ये मैंने 1 kg का लिया है नमकीन का पैकेट, नवरत्न नमकीन है, ये काफ़ी अच्छी होती है इवनिंग टाइम के चाय में, चाय के नाश्ते के साथ जो है लगती है, बिस्किट और नमकीन ज़रूर होनी चाहिए, बच्चे खाते ही है। और फ्रेंड्स ये है डिटॉल सॉप, जिसके साथ में मुझे हार्पिक 45 का फ्री मिला है, तो ये भी अच्छा ऑफर है। तो और कुछ मैंने चीज़ें ली हैं लोकल शॉप से, तो चलिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है ज़ीरे का पैकेट, और ये है उड़द जो मैंने 500 ग्राम लिए थे, आधे इसमें के मैंने आज दोपहर में बना लिए हैं। और ये है 500 ग्राम का मूंग दाल का पैकेट, ये है 500 ग्राम का उड़द दाल का पैकेट, सब 500 ग्राम के लिए। और ये है अरहर की दाल का पैकेट, ये मूंग की छिलके वाली दाल का पैकेट, ये उड़द दाल, ये राजमा, ये चना दाल, ये मसूर दाल, ये मलका मसूर दाल, और ये है काबुली चने, ये है डालडा खजूर, ये मेरे दो पैकेट लिए थे, एक यूज़ में आ गया है। और ये है मूंगफली के दाने पीनट्स, ये मैंने 500 ग्राम लिए हैं। ये है चाय का पैकेट हमारा, और ये हो गया 500 ग्राम बेसन का पैकेट, ठीक है। और ये हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और कॉफ़ी का मुझे जो है डब्बा नहीं मिला था, तो मैंने ये काम चलाऊ ले ली है एक लड़ी कॉफ़ी की। कभी कभी मन करता है, ज़्यादा नहीं पीती हूँ मैं, कभी कभी मन करता है तो इसी में से जो है बनाकर यूज़ में आ जाता है। और बर्तन धोने का जो है वॉशिंग वो लेकर आई थी मैं बर्तन धोने का डब्बा, तो वो मेरा निकल गया है, वो यूज़ में आ रहा है। और ये घड़ी की टिक्की, और शैम्पू का जो है मैंने डब्बा नहीं लाई हूँ, तो मैं ज़्यादातर लड़ियाँ लेकर आती हूँ। डब्बे में क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, तो मैं इस वजह से लड़ियाँ लाती हूँ, तो एक पाउच इनको निकाल कर दे देती हूँ, वरना ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है ना बर्बाद करते हैं। 5 kg मेरी चीनी है और 5 kg ही मेरे राइस हैं, जो मेरे इस महीने की ग्रोसरी शॉपिंग में आए हैं। और 500 ग्राम है सर्फ एक्सल। और फ्रेंड्स मैंने जो है ये पूरे महीने के लिए मैं ये वाला सर्फ यूज़ करती हूँ, तो मेरा करीब 3-4 महीने आराम से चल जाता है। और इसके साथ में पहले मैंने मंगाया था तो ये डब्बा मिला था, इस बार मैंने मंगाया है तो टब मिला है, तो चलिए वो मैं दिखाती हूँ अभी आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है वो वॉशिंग टब जो कि मुझे इस सर्फ एक्सल के, मतलब सर्फ एक्सल नहीं, ये इस सर्फ के साथ में मुझे मिला है ये वॉशिंग टब, और काफ़ी अच्छा है, और जो है इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, कलर वाइज भी बहुत अच्छा है। तो ये थी मेरी भारी ऑफ़र वाली मज़ेदार सी ग्रोसरी शॉपिंग, जो कि मुझे इस शॉपिंग करने में जितना भी मुझे मज़ा आया है ना, बस मैं क्या ही बताऊँ, मुझे इस महीने की शॉपिंग करते में बहुत अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी दिल भी खुश हुआ कि मतलब ज़्यादातर मेरी चीज़ें के साथ में एक फ्री मुझे मिली है। तो ये विशाल मेगा मार्ट से ऑफ़र चल रहा था, तब मैं लेकर आई थी, बट मैं दिखा नहीं पाई थी बच्चों की तबीयत ख़राब की वजह से, तो उनको हाई फीवर चल रहा था। सो फ्रेंड, ये थी मेरी आज की मंथली ग्रोसरी शॉपिंग, कैसी लगी आप सभी को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आज का मेरा मंथली ग्रोसरी शॉपिंग का ब्लॉग कैसा लगा। तो बस अब मैं इस वीडियो को अपने करूँगी यहीं पर एंड। और फ्रेंड्स, आप सभी के सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
एक भी सब्सक्राइब करता है ना तो बहुत खुशी होती है और काफ़ी अच्छा लगता है और एक जो है मोटिवेशन मिलता है आगे और भी ज़्यादा कुछ अच्छा करने की। तो फ्रेंड प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। तो बस अब मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ अपने एक अच्छे प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हम सभी को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।